हेलो दोस्तों, अनुपम और शिखा दोनों इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। दोनों ही उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से थे। शिखा माता पिता की इकलौती संतान थी, जबकि अनुपम की एक छोटी बहन थी। धन संपत्ति के मामले में शिखा का परिवार अनुपम के परिवार की तुलना में काफ़ी बेहतर था। शिखा के पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनकी ऊपरी आमदनी काफ़ी थी, शहर में उनका रुतबा भी था। अनुपम और शिखा दोनों पहली क्लास से ही साथ पढ़ते आए थे, इसलिए वे अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों के परिवारों में भी अच्छी दोस्ती थी। शिखा सुंदर थी, अनुपम देखने में काफ़ी स्मार्ट लड़का था। उस दिन उनका 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था। शिखा भी अनुपम के घर अपना रिजल्ट देखने आई। अनुपम ने अपना लैपटॉप खोला और बोर्ड की वेबसाइट पर गया। कुछ ही पलों में दोनों का रिजल्ट का भी पता चल गया था। अनुपम को 95% अंक मिले थे और शिखा को 85 यानी कि 85% अंक। दोनों अपने अपने रिजल्ट से संतुष्ट थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। अनुपम की मां ने दोनों का मुंह मीठा करवाया। शिखा बोली, अब आगे क्या पढ़ना है, मैथ या बायोलॉजी? तुम्हारे तो दोनों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं। मैं तो PCM ही लूँगा। और तुम? मैं तो आर्ट लूँगी, मेरा प्रशासनिक सेवा में जाने का मन है। मेरी प्रशासनिक सेवा में रुचि नहीं है, जिंदगी भर नेताओं और मंत्रियों की जी हुजूरी करनी पड़ती है। मैं तुम्हें एक सलाह दूँ? हाँ बोलो। तुम पायलट बनो, तुम पर पायलट वाली ड्रेस बहुत सूट करेगी और तुम दोगुना स्मार्ट लगोगे। मैं भी तुम्हारे साथ साथ हवा में उड़ने लगूँगी। उसने बातों ही बातों में अपने मन की बात कह दी। मेरे साथ? हाँ क्यों नहीं। पायलट अपनी बीबी को साथ नहीं ले जा सकते क्या? बताना जरा। फिर क्या था, तब शिखा को ध्यान आया कि वह क्या भूल गई और शर्म के मारे वहाँ से भाग गई। अनुपम पुकारता ही रह गया, उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा। थोड़ी देर में अनुपम की माँ भी वहाँ आ गई। वे उन दोनों की बातें सुन चुकी थी। उन्होंने कहा, शिखा ने अनजाने में अपने मन की बात कह डाली है। शिखा तो अच्छी लड़की है, मुझे तो पसंद है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं उसकी माँ से बात करती हूँ। अनुपम बोला, यह तो बाद की बात है माँ, अभी तक हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, पहले मुझे अपना करियर देखना है। माँ बोली, शिखा ने अच्छी सलाह दी है तुम्हें, मेरे बेटा पायलट बनकर बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। खर्च की चिंता मत करो, अगर तुम्हारा मन करता है तब तुम जरूर पायलट बनो, अन्यथा अगर कोई और पढ़ाई करनी है तो ठीक से सोच लो, तुम्हारी रुचि जिसमें हो वही पढ़ो बेटा। अनुपम के पापा ने उनकी बात सुनकर कहा। उन दिनों 21वीं सदी का प्रारंभ था। भारत के आकाश मार्ग में नई नई एयरलाइंस कंपनियां उभर कर आ रही थी। अनुपम ने मन में सोचा कि पायलट का करियर भी अच्छा रहेगा। उधर अनुपम की मां ने भी शिखा की मां से बात कर शिखा के मन की बात बता दी थी। दोनों परिवार भविष्य में इस रिश्ते को अंजाम देने पर सहमत थे। एक दिन स्कूल में अनुपम ने शिखा से कहा, मैंने सोच लिया है मैं पायलट ही बनूंगा, तुम मेरे साथ उड़ने को तैयार रहना। मैं तो न जाने कब से तैयार बैठी हूँ, शरारती अंदाज में शिखा ने कहा। ठीक है, मेरा इंतज़ार करना, पर कम सीरियल पायलट बनने के बाद ही शादी करूँगा। नो प्रॉब्लम। अब अनुपम और शिखा दोनों काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। दोनों अपने भविष्य के सुनहरे सपने भी देखने लगे थे। देखते देखते दोनों 12वीं पास भी कर चुके थे। अनुपम को अच्छे कमर्शियल पायलट बनने के लिए अमेरिका के एक फ्लाइंग स्कूल में जाना था। भारत में मल्टी इंजन वायुयान और एयर बस A320 जैसे विमानों पर सिमुलेंस की सुविधा नहीं थी, जो कि अच्छे कमर्शियल पायलट के लिए ज़रूरी थी। इसलिए अनुपम के पापा ने गांव की ज़मीन बेचकर और कुछ प्रोविडेंट फंड से लोन लेकर अमेरिका फ्लाइंग स्कूल की फीस का प्रबंध किया। अनुपम ने अमेरिका जाकर एक मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लिया। शिखा ने स्थानीय कॉलेज में BA में एडमिशन ले लिया था। अमेरिका जाने के बाद फ़ोन और वीडियो चैट पर दोनों बातें करते। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। देखते देखते 3 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत चुका था। अनुपम को कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गया।
शिखा को प्रशासनिक सेवा में सफलता नहीं मिली। उसने अनुपम से कहा कि प्रशासनिक सेवा के लिए वह एक बार और कम्पीट करने का प्रयास करेगी, एक बार और वह कंपटीशन जरूर देगी। अनुपम ने प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट की नौकरी ज्वाइन की। लगभग 2 साल वह घरेलू उड़ान पर था। एक दो बार उसने शिखा को भी अपनी फ्लाइट से सैर करवाई, शिखा को कॉकपिट दिखाया और कुछ विमान संचालन के बारे में बताया। शिखा को लगा कि उसका सपना पूरा होने जा रहा है। 1 साल बाद अनुपम को अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग पर उड़ान भरने का मौका मिला। कभी सिंगापुर, कभी हांगकॉन्ग तो कभी लंदन घूम जाना पड़ता था। शिखा को दूसरे वर्ष की प्रशासनिक सेवा में सफलता नहीं मिली। इधर शिखा के परिवार वाले उसकी शादी जल्दी करना चाहते थे। अनुपम ने उनसे 1-2 साल और समय मांगा। दरअसल अनुपम के पिता उसकी पढ़ाई के लिए काफ़ी कर्ज ले चुके थे। अनुपम चाहता था कि अपनी कमाई से कुछ कर्ज उतार दे और छोटी बहन की शादी हो जाए। वैसे तो वह प्राइवेट एयरलाइंस घरेलू वायुसेना में देश में दूसरे स्थान पर भी। इस कंपनी की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं थी। 2007 में कंपनी ने दूसरी घरेलू एयरलाइंस कंपनी को खरीदा था, जिसके बाद इसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। 2010 तक हालत बदतर होने लगे थे। बीच बीच में कर्मचारियों को बिना वेतन 2-2 महीने काम करना पड़ता था। उधर शिखा के पिता शादी के लिए अनुपम पर दबाव डाल रहे थे, पर बार बार अनुपम कुछ और समय मांगता ताकि पिता का बोझ कुछ हल्का हो। जो कुछ अनुपम की कमाई होती उसे वह पिता को दे देता। इसी वजह से अनुपम की बहन की शादी भी अच्छे से हो गई। उसके पिता रिटायर भी हो गए थे। रिटायरमेंट के समय जो कुछ रकम मिली थी और अनुपम की ओर से मिले पैसों को मिलाकर उन्होंने शहर में एक फ्लैट ले लिया, पर अभी भी फ्लैट के मालिकाना हक के लिए और रुपयों की ज़रूरत थी। अनुपम को कभी 2 महीने और कभी 3 महीने पर वेतन मिलता तो फ्लैट में खर्च हो जाता। अब भी एक बड़ी रकम फ्लैट के लिए और देनी थी। एक दिन शिखा के पापा ने अपनी पत्नी से कहा, आज अनुपम से फाइनल बात कर लूँ, आखिर कब तक इंतजार करूँगा। और दूसरी बात, मुझे पायलट की नौकरी उतनी पसंद भी नहीं। ये लोग देश विदेश घूमते रहते हैं, इनका क्या भरोसा कहीं किसी के साथ चक्कर न चल रहा हो उसका। अनुपम के माता पिता तो चाहते थे कि अनुपम शादी के लिए तैयार हो जाए, पर वह तैयार नहीं हुआ। उसका कहना था कि कम से कम यह घर तो अपना हो जाए, उसके बाद ही शादी होगी। इधर एयरलाइंस की हालत बद से बदतर होती गई। वर्ष 2012 में जब अनुपम घरेलू उड़ान पर था तो उसने दर्द भरी आवाज़ में यात्रियों को संबोधित किया, आज की आखिरी उड़ान में आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है। हमने 2 महीने तक बिना वेतन के अपनी समझ और सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा की है। इसके चंद दिनों बाद इस एयरलाइंस के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और पायलट होकर भी अनुपम बेकार हो गया। शिखा के पिता ने बेटी से कहा, बेटे हमने तुम्हारे लिए एक IAS लड़का देखा है। वे लोग तुम्हें देख चुके हैं और तुमसे शादी के लिए तैयार हैं। वे कोई खास दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, वरना आजकल तो IAS को करोड़ों 1.5 करोड़ रुपए आसानी से मिल जाता है। पापा, मैं और अनुपम तो वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं और चाहते भी हैं। यह तो उसके साथ विश्वासघात होगा। हम कुछ और इंतज़ार कर सकते हैं, हर किसी का समय एक सा नहीं होता है। कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। हम लोग लगभग 2 साल से उसी के इंतजार में बैठे हैं, अब और समय गंवाना व्यर्थ है बेटा। नहीं, एक बार मुझे अनुपम से बात करने दो। शिखा ने अनुपम से मिलकर यह बात बताई। शिखा तो कोर्ट मैरिज करने को भी तैयार थी, पर अनुपम को यह ठीक नहीं लगा। वह तो अनुपम का इंतजार भी करने को तैयार थी। शिखा के पिता ने कहा, मैं अनुपम के लिए इंतजार कर सकती हूँ, मगर मैं नहीं कर सकता। और नहीं लड़के वाले, इतना अच्छा लड़का मैं हाथ से नहीं निकालने दूंगा, अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें इस लड़के से शादी करनी होगी। उसके पिता ने शिखा की माँ को बोला, अपनी बेटी को समझाओ, वरना मैं अभी के तुम को गोली मार कर खुद को भी गोली मार दूंगा। यह बोलकर उन्होंने पॉकेट से पिस्तौल निकाल कर पत्नी पर तान दी। माँ ने कहा, बेटे पापा का कहना मान ले, तुम तो इनका स्वभाव जानती हो, ये कुछ भी कर बैठेंगे। शिखा को आखिरकार पिता का कहना मानना ही पड़ा। शिखा पर थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट
मजिस्ट्रेट की पत्नी थी, उसके पास सब कुछ था, घर, बंगला, नौकर चाकर। कुछ दिनों तक तो वह थोड़ी उदास रही, पर जब वह प्रेग्नेंट हुई उसका मन अब अपने गर्भ में पलने वाले जीव की ओर आकृष्ट हुआ। उधर अनुपम के लिए लगभग एक साल का समय ठीक नहीं रहा। एक कंपनी से उसे पायलट का ऑफर भी मिला था। वह कंपनी उसकी लाचारी का फ़ायदा उठाकर इतना कम वेतन दे रही थी कि वह तैयार नहीं हुआ। इसके कुछ ही महीने बाद उसे सिंगापुर के एक मशहूर फ्लाइंग एकेडमी में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की नौकरी मिल गई थी। वेतन पायलट की तुलना में कम था, पर आराम की नौकरी थी, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी थी। इस नौकरी में अनुपम सिंगापुर चला गया। इधर शिखा ने एक बेटे को जन्म दिया। देखते ही देखते एक साल और गुजर गया। अनुपम के माता पिता अब उसकी शादी के लिए दबाव बना रहे थे। अनुपम ने सब कुछ अपने माता पिता पर छोड़ दिया था। उसने बस इतना ही कहा कि जिस लड़की को वे पसंद करें उसे फाइनल करने से पहले वह एक बात करना चाहेगा। कुछ दिनों बाद अनुपम अपने एक दोस्त की शादी में भारत आया। वह दोस्त का बाराती बनकर गया। जयमाला के दौरान स्टेज पर ही लड़की लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसका बाएं पैर का निचला हिस्सा कृत्रिम था जो निकल पड़ा था। पूरी बारात और लड़की के यहाँ के मेहमान यह देखकर आश्चर्यचकित थे। दूल्हे के पिता ने कहा, यह शादी नहीं हो सकती, आप लोगों ने धोखा दिया है हमें। लड़की के पिता बोले, आपको तो मैं बता दिया था कि लड़की का एक पैर खराब है, आपने सिर्फ खराब कहा था, नकली पैर की बात नहीं बताई थी। यह शादी नहीं होगी और बारात वापस जाएगी। तब तक लड़की का भाई भी आकर बोला, आपको इसलिए 1.5 करोड़ रुपए का दहेज दिया गया है कि शादी तो आपको करनी ही होगी, वरना। अनुपम का दोस्त जो दूल्हा था ने कहा, वरना क्या कर लेंगे, मैं जानता हूँ आप मजिस्ट्रेट हैं, देखता हूँ आप क्या कर लेंगे। अपनी 2 नंबर की कमाई के बल पर आप जो चाहें नहीं कर सकते, आपके नकली पैर की बात क्यों छिपाई थी। लड़की दिखाने के समय तो हमने इसकी चाल देखकर समझा कि शायद पैर में किसी यानी कि चोट के थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही है, चोट की वजह से इसका तो पैर ही नहीं है। अब यह शादी नहीं होगी, बारात वापस जाएगी। तब तक अनुपम भी दोस्त के पास पहुंचा। उसके पीछे एक महिला गोद में बच्चे को लेकर आई, वह शिखा थी। उसने दुल्हन बनी लड़की का पैर फिक्स किया। वह शिखा से रोते हुए बोली, भाभी मैं कहती थी ना कि मेरी शादी न करें, आप लोग मुझे बोझ समझकर घर से दूर करना चाहता ना। नहीं मुन्नी, ऐसी बात नहीं है, हम तो तुम्हारा भला सोच रहे थे। शिखा इतना ही बोल पाई थी कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इतने में उसकी नज़र अनुपम पर पड़ी तो बोली, अनुपम तुम यहाँ। अनुपम ने शिखा की ओर देखा। मुन्नी और विशेषकर शिखा को रोते देखकर वह भी दुखी था। बारात वापस जाने की तैयारी में थी। दूल्हे दोस्त ने शिखा को देखकर कहा, अरे शिखा तुम यहाँ। हाँ, यह मेरी ननद मुन्नी है। अच्छा तो यह तुम लोगों का फैमिली बिजनेस है, तुमने अनुपम को ठगा और अब तुम लोग मुझे उल्लू बना रहे थे। चल अनुपम चल, अब यहाँ नहीं रुकना, अनुपम बोला। तुम चलो, मैं शिखा से बात करके आता हूँ। बारात लौट गई। शिखा अनुपम से बोली, मुझे उम्मीद है तुम मुझे गलत नहीं समझोगे और माफ़ कर दोगे। मैं अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए मजबूर थी, अगर ऐसा नहीं करती तो मैं अपनी मम्मी और पापा की मौत की जिम्मेदार होती, क्योंकि पापा ने फैसला ही ऐसा कर दिया था। दोस्तों मैंने तुम्हें गलत समझा है, नहीं नहीं तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। लड़की के पिता ने बारातियों से माफ़ी मांगते हुए कहा, आप लोग क्षमा करें, मैं अपनी बेटी के हाथ तो पीले नहीं कर सका, लेकिन आप लोग कृपया भोजन करके जाइए, वरना सारा खाना व्यर्थ ही बर्बाद जाएगा, मेहमानों ने कहा। ऐसी स्थिति में हमारे गले के अंदर निवाला नहीं उतरेगा, बिटिया की डोली न उठ सकी, इसका हमें भी काफ़ी दुख है, हमें माफ़ करें। तब अनुपम ने कहा, आपकी बिटिया की डोली उठेगी और मेरे घर तक जाएगी, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ न हो तो। वहाँ मौजूद सभी लोगों की निगाहें अनुपम पर गड़ी थी। लड़की के पिता ने झुककर अनुपम के पैर छूने चाहे तो उसने तुरंत उन्हें मना कर दिया पैर छूने के लिए। शिखा के पति ने कहा, मुझे शिखा ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम दोनों स्कूल में अच्छे दोस्त थे, पर मैं तुमसे अभी तक मिल नहीं सका था,
तुमने मेरे लिए ऐसे हीरे हो छोड़ दिया। शिखा, तुमने तो एक हीरे को ही छोड़ दिया है। मुन्नी की शादी उसी मंडप में हुई। विदा होते समय वह अपनी भाभी शिखा से बोली, प्यार इसको कहते हैं भाभी, आपकी या आपके परिवार को अनुपम अभी भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। भाभी, सच्चे प्यार करने वाले कभी भी अपनों को दुखी नहीं देख सकते। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। राम राम जी सभी को। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली कहानी में।